नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई मरीज हमें पूछते हैं कि सर, स्लिप डिस्क का अगर ऑपरेशन हुआ है तो इसके बाद हमें एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो किसी भी मरीज का अगर स्लिप डिस्क का ऑपरेशन होता है, वो अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह हो गया है, तो हम प्रीफर करते हैं कि उनको शाम को ही चलना शुरू करवा दें या फिर दूसरे दिन सुबह से। इसमें फर्स्ट स्टेप रहता है कि बेड पर से कैसे उनको बैठना है। तो सबसे पहले तो उनको एक साइड करवट लेना है, घुटना मुड़ के एक साइड करवट लेना है और उसके बाद में ही खड़ा होना है। डायरेक्टली सीधे आपको कभी भी खड़ा नहीं होना है, वरना कमर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। खड़े होकर आप चलना शुरू करते हैं, वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। मिनिमम 6 हफ्ते तक आपको सिर्फ चलना है और यही आपकी बेस्ट एक्सरसाइज है। चलने के सिवाय आप कोई भी कसरत नहीं करेंगे तो चल जाएगा। अगर आपका सिर्फ माइनर स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ है तो चलना ये एक आपके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। 6 हफ्ते तक आपको चलने के बाद आपको कमर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। उसमें भी उल्टा लेट के जो भी एक्सरसाइज होती है, जिसे बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं, ये बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। इसमें उल्टा लेट के आपको एक तरह से हाथ ऊपर करना है और दूसरी साइड से पैर ऊपर करने हैं। इससे कमर के जो भी मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है और आप फ्यूचर में कोई भी जगह से स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी भी स्लिप डिस्क हुई है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन में हमेशा से आपको ऊपर या नीचे स्लिप डिस्क होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी चाहिए और बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपको लाइफ टाइम करनी चाहिए। इसके सिवाय अगर स्लिप डिस्क का आपका ऑपरेशन हुआ है तो प्राइमरीली कोई भी मेजर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल नहीं रहता है। ये एक्सरसाइज आपके लिए इनफ है। अगर इसके सिवाय भी आपको स्पाइन या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके MRI रिपोर्ट भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रॉपर आंसर कर सकें। धन्यवाद।